दोस्तों, महंगाई बढ़ती ही चली जा रही है। ऐसे में रोजमर्रा में इस्तेमाल में आने वाली बेसिक चीजें भी महंगी हो गई हैं। आटा दाल समेत खाने की कई चीजों के भाव बढ़ गए हैं। कुछ हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक गेहूं का आटा आयुर्वेद आहार का एक जरूरी हिस्सा है। इसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों के ही गुण होते हैं, इसलिए हर देश में इसकी बिक्री बहुत है। लोग इसे अपने खाने का एक अभिन्न हिस्सा समझते हैं। कुछ देशों में ये बेहद सस्ता है तो कुछ देशों में इसकी कीमत काफी महंगी है। आइए आज हम आपको दुनिया के अलग अलग देशों में आटे की कीमत के बारे में बताते हैं। ये सभी कीमतें भारतीय रुपयों में दी गई हैं। इस हिसाब से कुछ देशों में जहां भारतीय करेंसी की कीमत ज्यादा है, वहां उनकी करेंसी के हिसाब से रेट कम हो सकता है। वहीं जिन देशों में भारतीय करेंसी की कीमत कम है, वहां रेट ज्यादा हो सकता है। अगर हम बात करें नेपाल की, तो नेपाल में भी महंगाई कमर तोड़ रही है। भारतीय करेंसी के हिसाब से यहां आटे की कीमत 60 रुपए किलो है। श्रीलंका तो दिवालिया होने की कगार पर है, यहाँ आटा 300 रुपए किलो तक बिक रहा है। वहीं बांग्लादेश में आटा 56 रुपए प्रति किलो है। हांगकांग में 1 किलो आटे की कीमत 329 रुपए है। सऊदी अरब में आटा 239 रुपए प्रति किलो के भाव में बिक रहा है। वहीं जापान में 1 किलो आटे की कीमत 150 रुपए है। यूके में 1 किलो आटा 148 रुपए का है। वहीं नॉर्वे में भी 1 किलो आटे की कीमत 148 रुपए ही है। कनाडा में 1 किलो आटा 118 रुपए में बिक रहा है। वहीं साउथ कोरिया में 1 किलो आटे की कीमत 108 रुपए है। कतर देश में आटा 101 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, जबकि सिंगापुर में आटा बेहद महंगा है, इसकी कीमत 860 रुपए प्रति किलो तक है। ईरान में आटे की कीमत 87 रुपए प्रति किलो है। वहीं जब हम पाकिस्तान की बात करें तो वहां भी महंगाई चरम सीमा पर है। यहां 1 किलो आटा 125 रुपए में बिक रहा है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।